मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। 20 अक्टूबर को डायमंड लॉन्स में हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में और शहर की आवाम की मौजूदगी में हम लोगों ने इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र इस पार्टी का ऐलान किया, बुनियाद रखी और उसका शॉर्ट नाम इस्लाम हमने वहाँ पर डिक्लेयर किया, ऐलान किया और उसके बाद से शहर में अलग अलग बातें आने लगी। कुछ लोग हिमायत में सामने आ रहे, कुछ लोग मुखालफत में सामने आए, ऐसा हम लोगों को सवेरे महसूस हुआ और उसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए शहर के एक मुफ्ती साहब का एक तहरीरी तौर पर उनकी दस्तखत से व्हाट्सएप पे जो वायरल हो रहा था उनकी तहरीर हमारे सामने आई, शहर के सामने आई और उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि एक वफ्द की शक्ल में ये फैसला हुआ कि शहर के अलग अलग जो हमारे मसलक है उनके उलमाओं के पास जाकर हम लोगों ने मुलाकात करनी चाहिए। उसमें हाफिज़ अनीस अज़हर साहब, शकील जानी बेग साहब, इब्राहिम दादा मियां साहब, हलीम सिद्दीकी साहब, असलम अंसारी साहब, ये हमारे साथी सबसे पहले मुफ्ती सिराज मिल्ली साहब से मुलाकात इन्होंने की जो माहदे मिल्लत में है। उसके बाद मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन अजहरी साहब जो दारुल उलूम हनीफिया सुन्निया के मुफ्ती साहब है, उसके बाद मुफ्ती हसनैन साहब से मुलाकात की जो शहर काजी है। उसके बाद हाफिज़ मकसूद आलम अशरफी साहब से बातचीत की गई, मुफ्ती आमिर उस्मानी साहब से बातचीत की गई और हाफिज़ अशफाक अहमद मोहम्मदी जमीयतुल अहले हदीस दफ्तर गए और मौलाना उमरैन साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे शहर के इन उलमाओं के पास हमारा वफ्द गया, उनसे बातचीत की, गुफ्तगू की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि एहतियात करना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर वाजे हमारे वक्त से उन लोगों ने गुफ्तगू के अंदर ये बात कही। अब क्योंकि हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, मज़हब इस्लाम को मानने वालों की बहुत लाखों की तादाद यहाँ पर रहती है और जाहिर सी बात है कि जब ये वायरल होता है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर या अखबारात के ज़रिए तो पूरे महाराष्ट्र नहीं मुल्क भर तक ये बातें जाती है। और जब हमारे उलमाओं ने हमसे अपील की, कई लोगों ने रिक्वेस्ट की, अपील की, गुजारिश की कि इसके ऊपर आप लोगों को फेर विचार करना चाहिए और सलाह मशवरा से एक रास्ता निकलना चाहिए, कोई तनाज़ा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने हमारे शहर के उलमाओं का की राय का एहतराम करते हुए इस बात का फ़ैसला किया है कि हम लोग जो शॉर्ट नाम है इस्लाम, हम लोग हमारे झंडे पर
हमारे बैनर पर या ऑफिशियल कहीं भी हम लोग तहरीरी तौर पर राइटिंग में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे उलमाओं का फैसले का एहतराम करते हुए हमने ये फैसला लिया है। और उसी के साथ साथ आज दोपहर 3 बजे आबिद अली हॉल जो शेख उस्मान हाई स्कूल के सामने, वहाँ पर पूरे शहर के जिम्मेदारान की, हमारे वर्करों की एक बहुत बड़ी मीटिंग ली गई, उनकी भी राय हम जानी गई। और उनकी राय जानने के बाद उलमाओं के फैसले का एहतराम करते हुए हमारी राय ये बनी है कि अल्फाज इस्लाम का हम लोग राइटिंग में या तहरीरी तौर पर हमारे बैनर पे, झंडे पर हम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात का फैसला हम लोगों ने लिया है। मैं आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम से और ख़ास तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे वर्करों से ये अपील करता हूँ कि जो झंडा हम लोगों ने कल आप लोगों को दिया था उसको अपने अपने घरों में रख ले और हम लोग और इसका इस्तेमाल ना करें, ये मैं अपील करता हूँ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, इस बात को शहर की आवाम और हमारे शहर के तमाम ही मसलक के उलमा, दीनी तंजीमें के ज़िम्मेदारान इस बात को नोट कर ले, इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसी बात को लेकर आप सियासी मुखालफत ये बोले कि झंडे पे उन्होंने वापस लिया है, झंडे पे लिखा हुआ है इसलिए मना किया है, थोड़ी ना सवाल है, झंडा तो रहेगा नहीं वो तो, और हमने वो तो झंडे पे कल लिखा हुआ है इसलिए हम लोग हमारे वर्करों को जो झंडा डंडा दिए थे इसके लिए हम लोग उनसे अपील कर रहे हैं आपके ज़रिए कि वो अपने घरों के अंदर उसको रख ले, है ना, नंबर एक। दूसरी बात, हमारा झंडा हरा ही रहेगा, वही हमारा नाम पार्टी का पूरा उस पर लिखा रहेगा और हम लोग वही हरा झंडा लेकर आवाम के बीच जाएंगे। और हमारा जो विजन है, एक बात और आप समझ ले, ये मर्दानगी वाली बात होती है विजन भी सामने रखना, बुजदिली का काम ये शहर ने 5 साल देखा। हम मर्दानगी से ऐलान करते हैं, कल भी ऐलान किया, आज भी ऐलान कर रहा हूँ कि अगर हम असेंबली में उम्मीदवारी कर रहे हैं तो हम बुजदिली से नहीं करेंगे। हम लोग हमारा विजन लेकर असेंबली हाउस के अंदर जाने की हम बात कर रहे हैं शहर की आवाम से, शहर के नौजवानों से। और जो विजन मैंने कल वहाँ डिक्लेयर किया था कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, वहाँ पर जो लोग भी गुस्ताखी करते उन पे कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं होता, इसके लिए ज़रूरत इस बात की आज हालात महाराष्ट्र के इस तरीके से बन चुके हैं कि बुजदिली का राजकरण सिखाया जा रहा है हमारी कौम को, इसके लिए नुमाइंदा मजबूत ताकतवर होना चाहिए कि वो असेंबली में जाकर बोले, आवाज़ उठाए। मेरी बात मुकम्मल हो, आवाज़ उठाए। जो महाराष्ट्र में जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, जो ट्रेनों के अंदर बुज़ुर्गों के साथ हरकत की जा रही है, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, जो यहाँ पर फिरका परस पार्टियाँ उनकी तंजीमें जो मॉब लिंचिंग करती, असेंबली हाउस के अंदर सख्त से सख्त उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा जो विजन है, ये विजन लेके हम बात कर रहे हैं शहर की आवाम से। जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 1 लाख एकड़ महाराष्ट्र में है, जो मरकज़ी हुकूमत ने जो कानून लाई है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अभी चल रहा है उसके ऊपर हेयरिंग, वो जब मरकज़ में लागू होगा तो वो रियासत में भी लागू करेंगे वो बिल लाकर, तो उस वक्त मजबूत एमएलए होना असेंबली में ज़रूरी है ताकि उसकी मुखालफत करे। अगर उन्होंने ताकत के बिना पर पास कर दिया पार्लियामेंट में तो वो यहाँ भी लागू कर सकते हैं, तो इसके लिए मजबूत आवाज़ उठना चाहिए। ये हमारा अपना विजन है। मुसलमानों को रिजर्वेशन तालीम में, सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए, यह हमारा बहुत पुराना मुतालबा है जो बिल लेप्स हो गया, तो हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए,
ये विजन है उसको दोबारा बहाल किया जाए, यह आवाज़ उठना चाहिए जो 5 साल खामोश रहे। ये हमारा अपना विजन है। या मुसलमानों के खिलाफ कोई काले कानून बनते हैं तो उसके खिलाफ में, सरकारों के खिलाफ में असेंबली में आवाज़ उठना चाहिए। इसके लिए हमारा विजन है, इसके लिए हम लड़ना चाह रहे। डेवलपमेंट शहर होगा, विकास होगा, डेवलप होगा, हम हमारे मैनिफेस्टो में बात करेंगे। लेकिन जो कल विजन ऐलान किया था इस विजन पे हम कायम रहेंगे, कायम रहेंगे। और हम लोग जो 5 साल के अंदर इस शहर के अंदर फिरका परस्ती बढ़ी, जो नितेश राणे जैसा शख्स, पडलकर जैसा एमएलसी, प्रसाद लाल जैसा एमएलसी जो बीजेपी के है, उन्होंने मालेगांव लैंड जिहाद, लॉ जिहाद, किला झोपड़पट्टी को खोलने के जो चैलेंज किया है, तो वो भी हमारे विजन में शामिल है कि शहर को बचाना है तो मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे विजन से हम हटने वाले नहीं है, विजन लेकर चलेंगे। हरा झंडा साथ में होगा, पार्टी का नाम साथ में होगा और आवाम के बीच में जाएंगे। विजन के नाम पर, विकास के नाम पर, डेवलप के नाम पर हम वोट मांगेंगे। अल्लाह का करम है कि अगर आज हम लड़ रहे तो हमारे जिम्मेदारों की सरपरस्ती में, आज शहर के वर्करों के भरोसे, शहर की आवाम के भरोसे हम असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का करम है। और वो लोग हमारे फैसलों से, हमारी ताकत से, हमारे विजन से, हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे विचार से, हमारे मुखालिफ बिल्कुल डर गए हैं, सहम गए हैं। उनको पार्टियां बदलना पड़ रही है। कभी महाराष्ट्र सदन के रूम नंबर भी बताऊंगा वक्त आने पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन से रूम नंबर में रुके, शहर के एमएलए कौन से रूम नंबर में रुके, कल मुंबई में कितने बजे कौन सी जगह मुलाकात हुई कांग्रेस के टिकट के लिए, ये भी बताऊंगा वक्त आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़मीन खसक गई, वो नाकाम हो चुके। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम विजन लेकर, और हम अकेले अपने शहर की आवाम के बलबूते और हमारे जिम्मेदारान के बलबूते, हमारे वर्करों के बलबूते पर हम लोग इलेक्शन लड़ने सामने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है, मैं तो यहाँ रुकता हूँ, मैं शहर के उलमाओं से अपील करता हूँ, शहर के तमाम ही उलमाओं से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ आइए ये शहर को बनाने के लिए, हमारे विजन को मजबूत करने के लिए। तमाम ही मसलक के उलमाओं से मैं अपील करता हूँ कि आप हमारे साथ आइए। ये विजन ये शेख आसिफ के लिए नहीं है, ये हमारे साथियों के लिए नहीं है, बल्कि इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए ये विजन है। और इसके लिए हमारे शहर के उलमाओं ने हमारा साथ देना चाहिए। मैं उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और शहर की आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ आए, हम लोग महाराष्ट्र की क़यादत कर सकते हैं। 5 साल ये शहर को कमज़ोर नुमाइंदा मिला, अब मजबूत नुमाइंदे की ज़रूरत है, जो लड़ने वाला हो, शहर को बचाने वाला हो। ये हमारा विजन है। और हम, हमारे पास भी कई पार्टियों के ऑफ़र आए। अभी मैं बाजू के कमरे में बैठा तो ऑफ़र था, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ऑफ़र था, मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैंने कल कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी पार्टी की पॉलिसी के नीचे दब कर मैं काम करूं। मैं आज़ादी चाहता हूं, आज़ाद रहना चाहता हूं, आज़ाद असेंबली में आवाज़ उठाना चाहता हूं, मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, मजदूरों की, माइनॉरिटी की, सेकुलर हिंदू भाइयों की जिनके ऊपर अत्याचार होगा, और ये शहर की आवाम की। इसके लिए मैं विजन लेके चल रहा हूँ और हम चलते रहेंगे। हमारा रास्ता एक है जो विजन पे पहुँचना है, और शहर, मुझे उम्मीद है कि शहर साथ देगा। आपके मुखालिफ आपके बयान से ये तो ना बोले कि हमारी तनकीद से फैसला वापस लिया।
उलमाओं का फैसलों का एहतराम करते हुए, उनकी अपील का एहतराम करते हुए फैसला लिया। हमारे मुखालफिन से ना हम कभी डरे और इंशाअल्लाह ना कभी डरेंगे। उनके सामने बिगर बेसाखी के खड़े हैं, यही हमारी अपनी मजबूती है। बाजू में क्या ऑफर मिला है? मैं यहाँ मेरा विजन ऐलान कर रहा, मेरी पार्टी ऐलान कर रहा, तो छोड़ दो ना उसको। एक सियासी पार्टी आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहती है कि मालेगांव की सियासत में मजहब का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आप भी इसी रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा इल्जाम लगाया गया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो बात एकदम साफ है, हमारे उलमाओं ने हमको रात में ही मशवरा दिया, सवेरे मशवरा दिया, हमने एहतराम किया। अब हमारी उलमाओं की बात पर दूसरे लोगों ने भी एहतराम करना चाहिए जो 17 साल से हो रहा है। आजी और माजी मिल के 25 साल से जोड़ी बना के शहर जो सत्यानाश में उसके जिम्मेदार, आप कैसे इल्जाम लगाते? मैं 5 साल तो अब एमएलए नहीं था, इस पार्टी का रही 5 साल जनवरी में हुआ था, ऐसी रिपोर्ट है, ये सही है या फिर अभी हाल ही में किया? मतलब ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन कब किया? बात ऐसी है, नहीं मेरे पास ऐसा कागज है कि उसमें शायद जनवरी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, बात ऐसी है कि आप लोगों को इस बारे में थोड़ा सी कानून की जानकारी लेना चाहिए। हमारा सीधा और साफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास जो रजिस्टर होता है, आप इस बात को समझे कि वो स्थानिक स्वराज्य संस्था मतलब लोकल बॉडीज के लिए होता है, एक मैं वाजे करना चाहता हूँ। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास हमारी पूरी कानूनी प्रोसीजर मैं बोल रहा हूँ, प्रोसीजर कंप्लीट है। हम लोगों को 4 दिन का वक्त दिया गया है, 4 दिन के अंदर हम लोगों को कॉपी मिल जाएगी। और इसके लिए हमने ये फैसला किया है कि नॉमिनेशन जो है हम अगले हफ्ते करेंगे। निशाने को ये तक ख्वाहिश है कि आप निशाने क्या रखेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि उसके अंदर दो बातें होती है, मैं वाजे करना चाहता हूँ। दो बातें होती है, एक बात ये होती है कि जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का लेटर हमारे हाथ आएगा, उसी दिन वो हमसे चॉइस पूछते हैं और उसी दिन वो सिंबल को लॉक कर दिया जाता है। अगर हमारी चॉइस रही तो क्या इसको लॉक करो, तो वो वहीं से लॉक होता है, नंबर एक। अगर हमारी वहाँ पर जो वो हमारे सामने प्रपोजल रखेंगे कि इतना सिंबल है, तो वो सिंबल अगर हमको पसंद आया तो हम उसको यस करेंगे और उसको लॉक करवाएंगे। अगर हमको पसंद नहीं आया तो जिस तरीके से यहाँ का इलेक्शन ऑफिसर, जो असेंबली हलके का इलेक्शन ऑफिसर होगा, जिस दिन वो निशानी तकसीम करेगा उस दिन हम हमारी चॉइस की ले लेंगे। इस तरीके के दो प्रोसीजर अलग अलग होती है उसमें। महाराष्ट्र के मुसलमानों की क्यादत की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जाकर? मैं क्यादत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों के मसाइल असेंबली में उठाने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ एमएलए की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो शहर तक महदूद रहे, उसका इख्तियार ये होता है कि महाराष्ट्र में कहीं भी अगर मुसलमानों पे या दूसरी बिरादरियों के ऊपर या दूसरी कौम के लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार नाइंसाफी हो रही तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, उसको पूरे महाराष्ट्र की आवाज़ उठाई जा सकती है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मालेगांव। सियासत में ऐसी बहुत सी बातें स्टेज से हो रही, स्टेज के नीचे हो रही, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि इसके बारे में भी ध्यान में बोलना चाहिए? मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। नहीं, मैं इनके सवाल को आगे बढ़ा के बोलता हूँ कि माजी में ईदगाह से और दूसरे प्लेटफॉर्म से बहुत बुजुर्ग आलिम दीन या मुअज्जज घरानों को भी जो है तंकीद का निशाना बनाया गया, उलमा उस वक्त तो खामोश थे, इतनी उजलत में आज उठ गए, तो इस बारे में आप क्या? देखो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने देखा कि मैं मजहबी काम करने के अंदर मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरी दिलचस्पी होती है। जब वक्त आया तो मैंने ईदगाहों का वाल कंपाउंड किया,
हज सेंटर बनाया, हज ट्रेनिंग सेंटर बनाया और अभी सोलार लगाए। मेरा एक अपना काम मैं करते रहता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ, इसीलिए हमने फैसला किया कि उलमाओं की एहतराम करते हुए ये फैसला हमने आज लिया है। अब शहर की आवाम अपनी आँखों से 17 साल का पूरा रिकॉर्ड देख रही है, 17 साल में क्या क्या मज़हब का इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, इस पर जवाब नहीं दे सकता, बहुत अदना सा इंसान हूँ। शहर की आवाम देख रही है, अब उलमाओं ने इसके बारे में फैसला करना चाहिए। ये मैं बोलना के साथ ये कहा भरे मन में कि सहजा सर नाम पार्टी में रखे थे, अभी कुछ साउथ नाम है सर। अब ये जरा थोड़ा वक्त तो दो, अभी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये भी काम है कमल जो हुआ, दीनी स्टेट से कभी सियासत नहीं की, मुफ्ती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने अभी कहा कि मैं दीनी स्टेट से कभी सियासत का ऐलान नहीं किया ना कभी सियासत की मैंने। फतेह मैदान आप ही लोग थे ना, मैं कहा था।